अनपुर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जहां वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हालांकि रेल मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच के अनुसार ट्रैक पर रखे गए बोल्डर के कारण यह हादसा हुआ, जिसके चलते ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गई। यह घटना कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के टिकट भीमसेन खंड में रात के करीब ढाई बजे थे जब साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर कानपुर की ओर बढ़ रही थी। अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाके ने सभी को जगा दिया। धमाका इतना तेज था कि ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रैक पर रखे गए बोल्डर से टकराने के कारण यह दुर्घटना हुई। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बोल्डर से टकराने के बाद ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रैक टूट गया और 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है, केवल कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। रेलवे के अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिए गए। यात्रियों की सहूलियत के लिए बसों की व्यवस्था की गई और उन्हें कानपुर स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसके अलावा एक विशेष ट्रेन का भी इंतजाम किया गया, जो यात्रियों को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक गई। इस हादसे के चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जबकि कुछ के रूट में बदलाव किया गया है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि संभावित साजिश का संकेत भी हो सकता है। ट्रैक पर रखे गए बोल्डर को न केवल ट्रेन को पटरी से उतारा गया, बल्कि सैकड़ों लोगों की जान को भी खतरे में डाला। यह एक चेतावनी है कि रेलवे की सुरक्षा और निगरानी में और अधिक सख्ती की जरूरत है। सरकार और रेलवे प्रशासन को इस मामले की गहन जांच करनी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और कोई नहीं हुई है, जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोग बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा।